अब बात करते हैं कि आप अपने पीएफ का बैलेंस कैसे चेक कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है एसएमएस के जरिए। अगर आपका यूएएन ईपीएफओ के पास रजिस्टर्ड है तो आपके लेटेस्ट योगदान और पीएफ बैलेंस की जानकारी एक मैसेज से मिल सकती है। इसके लिए आपको 7738299899 पर मैसेज भेजना होगा। मैसेज भेजने के लिए आपको टाइप करना होगा EPFO HO स्पेस आपका UN नंबर देन स्पेस ENG, आखिरी तीन अक्षर भाषा के लिए हैं। अगर आपको हिंदी में जानकारी चाहिए तो आपको आखिरी में HIN लिखकर भेज सकते हैं। यह सेवा अंग्रेजी, पंजाबी, मराठी, हिंदी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम और बंगाली में उपलब्ध है। EPFO अपने पास मौजूद सदस्यों की जानकारी ही आपको भेजता है। इस लिहाज से जरूरी है कि आपका UAN बैंक अकाउंट पैन और आधार से लिंक्ड हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से इसे लिंक करने के लिए कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है मिस कॉल के जरिए। अगर आप UAN पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं तो आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 011-22-901-406 पर मिस कॉल दें। इसके बाद EPFO से एक संदेश मिलेगा जिसमें आपके PF खाते की डिटेल आपको मिल जाएगी। यहाँ भी हालांकि जरूरी है कि UAN से बैंक अकाउंट पैन और आधार लिंक्ड हो। तीसरा ऑप्शन है EPFO ऐप के जरिए। EPFO का एम सेवा ऐप आप गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद मेंबर पर क्लिक कर आप बैलेंस पासबुक सेक्शन में जा सकते हैं। इसके बाद आपको UAN और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा। ऐसा करके आप अपनी PF स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा और आखिरी ऑप्शन है EPFO साइट के जरिए। सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर सर्च करना होगा UAN या EPFO, जिससे एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की साइट खुल जाएगी। इस पर आप अपना UAN नंबर और पासवर्ड डालकर अपनी PF स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और अपने दोस्तों और खासकर बुजुर्गों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी अहम जानकारी वाली वीडियोस आगे भी आपके लिए लाता रहूं। अब जल्द मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।